हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ लर्नर। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक किया था, आज हम करने वाले हैं 8.1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10th का। सो 8.1 चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, एबी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। एबी की वैल्यू 24 दे रखी है, बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको पता करना है साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। जैसे कि पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता हो तो हम बाकियों की पता कर सकते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो काइंडली उसको वॉच कीजिए, वो देखने के बाद आपको ये चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि उसमें हमने सारा बेसिक कर चुके हैं। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और मैं आइकन बॉक्स में भी उसको लगा दूंगा। आइकन पे आप क्लिक करके वहां से देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से आप क्लिक करके बेसिक्स को क्लियर करके फिर आप इस यहां से शुरुआत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इसमें हमें दे रखा है कि ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल बी है, तो हमने राइट एंगल बी पर बना दिया है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, एबी की वैल्यू हमने यहां 24 लिख दिया और बीसी की वैल्यू कितने लिख दिया, 7 सेंटीमीटर। अब हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पता करने के लिए ट्राइंगल की तीनों साइड की आवश्यकता होती है। तो हमें दो साइड्स को पता है, तीसरी साइड नहीं पता। तीसरी साइड को पता करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पर हमें एसी की वैल्यू पता करनी है, तो जो एसी की वैल्यू है वो कैसे आएगी, एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। एबी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 24 भर दिया है यहां पर। बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, इन दोनों को ऐड करके आपके पास आ जाएगा 625। ये 625 क्या आया, एसी का स्क्वायर, यानी एसी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 625। और यहां से सॉरी ये एसी का स्क्वायर आया आपके पास, और अगर ये एसी का स्क्वायर है, सॉरी एसी की है वैल्यू, सॉरी अगर आपको एसी की वैल्यू पता करनी है तो एसी कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अगर आपके पास एसी 25 आ जाएगा तो हमें अब तीनों वैल्यूज पता लग गया कि हमारे पास एसी की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर, एबी 24 सेंटीमीटर, बीसी हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, साइन ए को। साइन ए को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने कल ही किया था कि जो साइन ए का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा, अगर हम साइन ए की वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं तो ये ए हमारा थीटा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी बीसी को हम क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड यानी एसी क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या आएगा, बीसी अपॉन एसी, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं कॉस ए की वैल्यू को पता करना है, तो कॉस ए की वैल्यू हमें निकालनी है, अगेन हमें थीटा दे रखा है ए, तो कॉस ए का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, जो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ए थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज, तो ये 24 क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो हमारे पास कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना आएगा हमारे पास 24 और हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 25, तो 24 अपॉन 25 ये क्या आ गया हमारे पास, कॉस ए आ गया। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं साइन सी की, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास सी एंगल की बात कर रहे हैं, अगर ये सी एंगल है तो सी एंगल के सामने वाला जो साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी ए भी क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो हम साइन सी लेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, सी थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी ए भी परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड यानी एसी हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एबी की वैल्यू हमने यहां रखी 24 और एसी की वैल्यू लिख दिया 25, तो 24/25 ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन सी की। लास्ट बात करते हैं हम कॉस सी की वैल्यू। सो कॉस सी कैसे निकालेंगे हम, कॉस सी सिमिलरली इसके लिए बेस कौन सा होगा, जाहिर सी बात है सी एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज एसी, और बीसी क्या होगा, बेस होगा। तो अगर हम एंगल सी की बात कर रहे हैं तो बेस क्या आ जाएगा, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, एसी। तो बीसी की वैल्यू 7 और एसी की वैल्यू कितनी आई, 25।
तो 7/25 ये क्या आ गया हमारे पास, cos c आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ लर्नर एकेडमी। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन 8.1 10th का ट्रिग्नोमेट्री का। फाइंड tan p माइनस cot r, और हमें ट्रायंगल में क्या दे रखा है, PQR एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमें PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमें सबसे पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, tan p माइनस cot r। ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर आपको थर्ड साइड हमें कैलकुलेट करना है तो इसके अंदर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, और कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस की फॉर्मूला के अनुसार जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, तो जो पीआर का स्क्वायर था, पीआर क्या हमारे पास, हाइपोटेन्यूज, जो पीआर का स्क्वायर था वो किसके बराबर आ गया, पीआर स्क्वायर इज इक्वल टू पीक्यू स्क्वायर प्लस क्यूआर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमें क्यूआर की वैल्यू चाहिए थी, सो क्यूआर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, पीआर स्क्वायर माइनस का पीक्यू स्क्वायर। पीआर की वैल्यू 13 का स्क्वायर माइनस पीक्यू की वैल्यू 12 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट की 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करके 25 आ गया। और जब हमने यहां से क्यूआर की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया, 25 का रूट 5 आ गया। सो हमारे पास क्यूआर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है tan p माइनस cot r। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं tan p की, तो जो tan p अगर हम थीटा ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये सामने वाला qr की वैल्यू। तो जब हम tan p निकालेंगे तो tan p का फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर हम tan p की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, qr, बेस क्या होगा हमारे पास, pq, तो qr अपॉन pq। qr की वैल्यू कितनी है, qr की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की कितनी आई हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। तो qr की वैल्यू हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं cot r की, ध्यान दीजिएगा, अब हमने थीटा चेंज कर दिया, अब हम r को ले रहे हैं, तो r के सामने वाला एंगल, ये वाला जो साइड है वो क्या करें बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जो qr है वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। और cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा होगा, qr, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, pq, तो qr अपॉन pq। यहां पर qr की वैल्यू 5 और pq की वैल्यू 12, यहां पर इसमें कैंसिल आ गया, 0 हमारा आंसर हो गया। इसमें ध्यान ये रखना है कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए जब हमने tan p की बात की थी तो परपेंडिकुलर इसे लिया था और बेस इसको लिया था, और जो लॉन्गेस्ट साइड था वो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहता है। और जब हमने cot r की बात किया तो हमने इसको परपेंडिकुलर लिया, इसके सामने वाले साइड को, और इसको बेस माना, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। थैंक यू वेरी मच। सो नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली प्रेस द लाइक बटन, subscribe this channel, don't forget to press the bell icon, and also don't forget to share this video with your friends. Thank you very much.